साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। भारत में आतंकवाद के खिलाफ जब सबसे बड़ा फैसला आया, एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, तो कांग्रेस इससे तिलमिला उठी। प्रियंका वाड्रा से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने आतंकवाद को ही फिजूल बता दिया। आज प्रियंका को भारत की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं, उन्हें ये फिजूल की बातें लगती हैं। और यही फिजूल की बातें नेहरू को 1962 में लगी थी, जब चीन ने भारत के हजारों किलोमीटर के हिस्से पर, लद्दाख के हिस्से पर कब्जा जमा लिया था। तब उन्होंने कहा था कि ये तो वो इलाका है जहां पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कांग्रेस की देश की सुरक्षा को गिरवी रखने की कहानी बताऊंगा। और इस क्रम में सबसे पहले मैं आपको प्रियंका वाड्रा का ये बयान सुनाता हूं। आप सुनिए और सोचिए कि प्रियंका वाड्रा देश की सुरक्षा को लेकर क्या सोचती हैं। ये फिजूल की बातें आतंकवादी, ये वो क्या फिजूल की बातें हैं। ये फिजूल की बातें आतंकवादी, ये वो क्या फिजूल की बातें हैं। प्रियंका वाड्रा ने ये बयान साल 2008 में गुजरात में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के ऊपर आए फैसले पर दिया है, जिसमें एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह फैसला इसलिए आया क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने इस मामले में, इस आतंकी घटना को लेकर सजा दिलाने के लिए किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने, आप ये स्टोरी देख पा रहे होंगे, प्रियंका वाड्रा ने सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए और एक वर्ग विशेष की सहानुभूति पाने के लिए देश की सुरक्षा को ही ताक पर रख दिया। और यह मामला सिर्फ प्रियंका वाड्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व अध्यक्ष और उनके बड़े भाई राहुल गांधी के लिए भी देश की सुरक्षा का कोई महत्व नहीं। अब यह बात क्यों कह रहा हूं आपको, मैं उनका एक बयान सुनाता हूं। साल 2019 में जब देश ने पाकिस्तान के ऊपर, देश की सेना ने एयर स्ट्राइक किया था, तब भी और आज भी राहुल गांधी हर वक्त सेना से इसका सबूत मांगते हैं। आपको मैं 2019 का उनका ये बयान सुनाता हूं, आप सुनिए, फिर आपको सुरक्षा को लेकर और बातें बताऊंगा। सुनिए बयान। ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं, इनकी फैमिलीज में ये फीलिंग है कि भैया देखो, हमें चोट लगी है तो हमें भी मतलब दिखाइए क्या हुआ। देखा आपने राहुल गांधी किस प्रकार सेना के नाम पर सेना का अपमान कर रहे हैं और सेना के, देश के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। और यही काम उन्होंने पुलवामा हमले की जब तीसरी बरसी आई तो भी यही किया। आपको उनका मैं ट्वीट दिखाता हूं, ये तो हाल ही का ट्वीट है, 14 फरवरी 2022 का, आप देखिए इसमें क्या लिखा है। पुलवामा के शहीदों को हम कभी भुला नहीं सकते, उनका व उनके परिवारों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हम जवाब लेके रहेंगे। राहुल जी किस बात का जवाब लेंगे, आपके समय तो कितनी आतंकी घटनाएं हुई, आपने क्या जवाब लिया। और जब पुलवामा की घटना हुई, उरी की घटना हुई और देश ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक की, तब आप सबूत मांग रहे हैं, आप कौन सा जवाब लेना चाहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए और एक वर्ग विशेष की सहानुभूति पाने के लिए इनके लिए देश की सुरक्षा बेमानी हो जाती है। और ये कांग्रेस की शुरू से ही यही सोच रही है। और यही वजह है कि सिर्फ राहुल और प्रियंका ही नहीं, बल्कि उनके एक बेहद करीबी, और चुनाव में आपने उनको देखा होगा, सैम पित्रोदा, उनका आपको एक बयान सुनना चाहिए, जिसने दुनिया में अपनी तरह की पहली आतंकवादी घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी। ये आतंकवादी घटना हुई थी मुंबई में 26/11, हम सब जानते हैं। आप पहले सुनिए कि उन्होंने क्या बयान दिया था। आई डोंट नो इनफ अबाउट द अटैक्स, ओके, अटैक्स हैपन ऑल द टाइम, अटैक हैपन ड्यूरिंग व्हाट वाज दिस मुंबई ताज होटल एंड ओबेरॉय होटल, ओके, बिकॉज 8 पीपल कम एंड डू समथिंग, यू डोंट जंप ऑन द एंटायर नेशन, इट डजंट वर्क दैट वे। जरा सोचिए कि जिस आतंकवादी घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, पूरी दुनिया को आतंकवाद का एक विभत्स चेहरा दिखाया,
उसके लिए कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। सिर्फ आतंकवादी घटनाओं पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ करगिल विजय दिवस को लेकर भी कांग्रेस का ये देश विरोधी चेहरा नजर आता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 1999 में भारत ने करगिल पर जो विजय हासिल की थी उसे कांग्रेस ने साल 2004 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी उसने सेलिब्रेट करना ही बंद कर दिया क्योंकि वो भूल चुकी थी। आप रिपोर्ट देखिए, इसमें भारत ने करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, एक बहुत बड़ी विजय थी। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। और साल 2009 में राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी को याद उन्होंने खत लिखा और फिर याद दिलाई कि भैया करगिल विजय दिवस का ये 10वां साल है, हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया था, कुछ तो कीजिए। और तब जाकर के A.K. एंटनी को इस बात की याद आई, कांग्रेस को इस बात की याद आई। आप देखिए ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में आपको वो सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि आखिर कांग्रेस इसे क्यों भूल गई, इतनी बड़ी विजय और वो भी पाकिस्तान, यहाँ तो क्रिकेट मैच होता है तब पूरा देश जो है वो उसके जोश उत्साह में उमड़ पड़ता है, और 10 साल तक मतलब बरसों तक कांग्रेस ने इसे मनाया ही नहीं। तो ये सवाल मैं इसलिए इसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि कांग्रेस इसे क्यों भूल गई, इसका जवाब खुद सोनिया राहुल के बेहद करीबी राशिद अलवी ने इसका जवाब दिया। दरअसल कांग्रेस इसे देश की नहीं, सेना की नहीं, बल्कि भाजपा की विजय मानती है। जी हाँ, आप सुनिए उनका ये बयान। इट इज नॉट एनी ओकेजन टू सेलिब्रेट, इट इज ओनली एनडीए व्हिच मे सेलिब्रेट इट, इट इज गुड थिंग दैट वी हैव किड ऑल ऑफ देम आउट। अखिलेश यादव, 130 करोड़ लोगों की रक्षा करने वाली वैक्सीन को मोदी की वैक्सीन बताते हैं, ये तो सुना आपने। ठीक उसी प्रकार 130 करोड़ देशवासियों की रक्षा करने वाली जो एक घटना है करगिल विजय दिवस, उसको कांग्रेस वाजपेयी का विजय दिवस मानते हैं। वैसे आप समझिए कि राशिद अलवी ने जो सालों पहले कहा वही तो राहुल गांधी आज कह रहे हैं। राहुल गांधी भी आजकल पूरे देश को कभी नॉर्थ साउथ के नाम पर, कभी हिंदू हिंदुत्व के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी प्रांत के नाम पर, कभी राज्य के नाम पर, तो कभी महिला और पुरुष के नाम पर देश को बांटते आ रहे हैं और यही कोशिश वो कर रहे हैं। साफ है देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है, एक ही पैटर्न है सोच का, और ये पैटर्न वही है जो 1947 में बंटवारे के समय कांग्रेस का था। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ। राहुल प्रियंका के पिता राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते 1984 में सोच का वही पैटर्न दिखाया था जब देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा दंगा हुआ था, ये सिख दंगा था। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तब देश में सिख विरोधी दंगे हुए और राजीव गांधी ने इसे जस्टिफाई किया था। आप ये बयान सुनिए फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन को दुनिया कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत जिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कौन हिलती है। कांग्रेस में इस सोच की बीज डालने वाले पितामह कोई और नहीं बल्कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू ही थे, और जब आप नेहरू का बयान सुनेंगे तब आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होगा। जब आप प्रियंका और राहुल के बयान को सुन करके आपको आश्चर्य होता है। जब चीन ने भारत के लद्दाख में
43,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा लिया, तो ये उस समय प्रधानमंत्री नेहरू के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जी हाँ, आप इस खबर से वाकिफ होंगे, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि चीन ने भारत के कितने बड़े हिस्से पर, लद्दाख के, कब्जा जमा लिया था, और नेहरू के लिए ये वैसी ही बात थी जैसा अभी प्रियंका वाड्रा ने कहा है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और उस समय कई सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने, कांग्रेस के भी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, और मैं इस संदर्भ में एक वाक्य आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। राज्यसभा सांसद, ये देखिए, महावीर त्यागी ने इस मुद्दे पर नेहरू से सवाल पूछा, उनकी जो जिस प्रकार की व्यवहार थे उसको लेकर सवाल पूछा, तो नेहरू ने जो जवाब दिया वो जवाब आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं वो जवाब आपको पढ़ करके सुनाता हूं। इट इज अ टेरिटरी वेयर नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज अबाउट 17,000 फीट हाई। लद्दाख इज ए यूजलेस अनइनहैबिटेबल लैंड, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, वी डिड नॉट इवन नो वेयर इट वॉज। ये नेहरू का जवाब है। ये जवाब बहुत, मतलब, भारतीयों को जानना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, उसके बारे में आप इतनी चिंता कर रहे हैं। मतलब आप समझ गए होंगे ना कि देश की सुरक्षा, चीन, एक दूसरा पड़ोसी देश आपके हिस्से पर कब्जा जमा रहा है और आपको इसकी कोई चिंता नहीं है, और आप सार्वजनिक रूप से संसद के पटल पर खड़े होकर ये बयान दे रहे हैं, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। लेकिन जिस सांसद ने ये सवाल उठाया था, महावीर त्यागी ने, उन्होंने इसके बाद जो कहा वो और महत्वपूर्ण है। वो गंजे थे, उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था, और उन्होंने नेहरू को अपना सिर दिखाया और बोला कि मेरे माथे पर एक भी बाल नहीं है, तो क्या मैं अपना सिर भी चीन को दे दूं? और नेहरू ये जवाब सुनकर अवाक रह गए। मतलब पूरा संसद जो है वो एकदम अवाक रह गया कि ये कौन सी बात नेहरू ने कह दी, और उसका जो जवाब दिया वो उससे भी बड़ा था। तो ये है देश की सुरक्षा पर कांग्रेस का रवैया, जो वंश दर वंश चलता रहा और फैलता रहा। और जब इसी रवैये का जवाब प्रधानमंत्री मोदी के रूप में देश के सामने आया, तो पता चलता है कि इस देश ने 5-7 वर्षों में क्या पाया है और 70 वर्षों में क्या खोया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।